गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो तारीख है वो है 19 जुलाई, और आज का जो दिन है वो है ट्यूसडे का दिन। और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 10:35। और जो स्टॉक को मैं ट्रेड कर रहा हूँ आज, वो स्टॉक है कॉनकॉर। ठीक है, तो इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन 677.70 पर इसको शॉर्ट किया हुआ है, और 681.50 50 पैसे का यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है। और उसी के साथ जो मैंने टारगेट प्लेस किया हुआ 662.50 पैसे का मैंने यहाँ पे टारगेट प्लेस किया हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्यों किया है, और इसका सारा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी देखते हैं क्या किस तरह का इसका मूवमेंट होता है। दिन भर इसका हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है बहुत धीरे धीरे जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए आप, और ये इस तरह से इसका मोमेंटम होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सुबह हो रहा है लगभग 3:30, मार्केट ऑलमोस्ट अभी बस क्लोज होने ही वाला है। और देखिए, जिस तरह का हमने सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिस तरह से अनुमान लगाया था कि इसको प्राइस को काफ़ी मतलब धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये धीरे धीरे नीचे गया, बट हुआ यूँ कि ये अपने टारगेट तक, हमारे टारगेट तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड रिश्ते का, तो 1:1 का मिला है। यहाँ पे पोजीशन बुक से भी देख लीजिए, मैंने वो 500 रुपीज़ का ही रिस्क लिया था, तो हमें उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट हाँ 600 रुपीज़ यहाँ पर मिला है। तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखूंगा और आपको फटाफट यहाँ से चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ट्रेड को मैंने क्यों लिया था। ठीक है, और इस वाली प्राइस पे मैंने इसको क्यों शॉर्ट किया था। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये टारगेट पहुँचने तक इसको पहुँचने में इसको क्यों दिक्कत हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आप यहाँ से देखिए, जब ये कल का जो ट्रेंड था डाउन था, ठीक है, और अगर कल के ट्रेंड में अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन हुआ था वो ये इस वाली कैंडल पे हुआ था। तो मैं अगर इस कैंडल को इस तरह से ड्रॉ कर लूँ बॉक्स, और इसको हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली प्राइस जब यहाँ पे आया, ठीक है, तो इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई, और मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि शायद ये टूट जाए, बट हुआ क्यों। अगर आपको मैं आप आपने अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने शेयर किया था पोस्ट, जिसमें मैंने निफ्टी का ये लेवल्स आपको शेयर किए थे। ठीक है, कि निफ्टी का बिहेवियर क्या था। एक्चुअली अगर निफ्टी यहाँ से देखिए ऊपर जाकर के यहाँ पे जब आया, अगर ये सपोर्ट तोड़ जाता निफ्टी ना अपना, तो हमारा टारगेट हमें मिल सकता था। बट हुआ क्या, ये जो सपोर्ट है निफ्टी ने होल्ड कर लिया, और जब ये सपोर्ट होल्ड कर लिया है, अगर तो ये यहाँ पे सपोर्ट को होल्ड करके जब प्राइस ऊपर जाने लगा, तो मैक्सिमम चांस बन जाते कि जो ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस टूटेगा। तो एक्चुअली बेसिक वैसे ही हुआ, ये रेजिस्टेंस ने जो रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया था उसको तोड़ दिया, क्योंकि इसने सपोर्ट को सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और हालांकि अगर ये इस तरह नीचे आता, तो ये थोड़ा रिट्रेस करके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता, अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता, तो ये नीचे की तरफ फॉल हो सकता था, और हमारा हमें टारगेट मिल सकता था। ठीक है, तो दो वजह रही जिसकी वजह से हमें अपना टारगेट नहीं मिला। एक तो निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, और दूसरी चीज़ जो हमारा ये इम्पोर्टेंट कैंडल थी वहाँ पर प्राइस वहाँ पर आकर रुक गया। ठीक है, तो हमें अपना टारगेट नहीं मिल पाया। तो इसको कल भी मैं इस पर नज़र रखूँगा और देखूंगा कि अगर इसकी ओपनिंग किस तरह होती है, किस तरह से यहाँ पर बिहेव करता है, तो कल भी मैं इसके अंदर एंट्री ले सकता हूँ, अगर मुझे इसके अंदर एंट्री लेवल में प्राइस कंफर्म करके प्राइस इस वाले लेवल पर अगर मिलता है तो। ठीक है, तो फिर कल भी मैं इस टारगेट के लिए वेट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट, वीडियो को छोटा रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने इसका रेंजेस मार्क करके आपको शेयर कर दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक था आज, कोई ज़्यादा मैंने गहरा लॉजिक नहीं यूज़ किया था, बहुत सिंपल था। मैंने जब ये कैंडल यहाँ पे देखा कि प्राइस आके यहाँ पे रुका हुआ है, और यहाँ पे रुकने के बाद एक फॉर्मेशन यहाँ पे प्राइस कर रहा है, कौन सा फॉर्मेशन कर रहा है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहली बार तो प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, प्राइस को यहाँ रिजेक्शन मिला हुआ है, और उसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैंने इसके बेस पे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। देखिए, हायर हायर लेवल पे एक फॉर्मेशन बनी है, देखिए हायर हाई बना हुआ है, हायर वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाके क्लोज किया। ठीक है, तो इस जो फॉर्म ये जो फॉर्मेशन होती है, एक सपोर्ट फॉर्मेशन कैंडल होती है, जैसे कि जिसका एक जो दूसरा क्लोजिंग होता है उसके ऊपर होती है, और दोनों ग्रीन होती है, और नीचे का जो वॉल्यूम्स है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये फॉर्मेशन बना, और इसके बाद अगर आप देखो तो इस ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो ये होता है,
मतलब इस पिछले दिन की कैंडल का हाई होता है जिसको तोड़ करके इसने क्लोजिंग की थी, उसका ये हाई इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको उसका हाई जब मैंने मार्क किया था तो मुझे यहाँ पे दिख गया था कि प्राइस ने जो है यहाँ से, देखिए एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। प्राइस ने कि यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल बनी, मतलब एक सपोर्ट कैंडल बनी, मैं आपको इससे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बनी, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो इसका ये लेवल इम्पोर्टेंट था, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने यहीं यहाँ पे फिर से प्राइस के अंदर चला आ गया, ठीक है, और विद वॉल्यूम अंदर आ गया। तो प्राइस इसकी ओपनिंग जो हुई इस लेवल्स के नीचे ही हुई, ठीक है। तो यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे रिजेक्शन रहता तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल तक आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इससे सपोर्ट लेवल तक। तो वही मैंने ध्यान में रखते हुए जब मैंने इसको मार्क कर लिया था, तो 5 मिनट्स पर अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद 5 मिनट्स पर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे शुरुआत की 5 मिनट्स कैंडल ने रिजेक्ट ले लिया है, ठीक है। शुरुआती 5 मिनट्स कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया है, और इसके बाद मैंने सिंपल सा आज फॉर्मेशन देखा क्योंकि मार्केट ज़्यादा बुलिश था, तो थोड़ा सा तो मैं कन्फर्मेशन जो ले रहा था 5 मिनट्स पर ले रहा था। तो इसकी जो फॉर्मेशन बनी, देखिए मॉर्निंग में, देखिए प्राइस यहाँ पर जाने के बाद, देखिए जब यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे जब आया इसका लो जब तोड़ा प्राइस ने, ठीक है, तो मैंने इसके लो पे अपना ऑर्डर लगाया था, यहाँ पे लो पे ऑर्डर लगाया था, तो प्राइस फास्ट नीचे गिरा और यहाँ तक आया नहीं, तो प्राइस तो फिर मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था इस वाली कैंडल पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस वाली कैंडल पे मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना ऑर्डर मिला, उसके बाद क्या हुआ, हमने अपना इंट्राडे के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने टारगेट अपने इसके सपोर्ट लेवल पे अपने टारगेट प्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका हमने जो टारगेट लगाया था नीचे लगाया था, क्योंकि इतने इसने अपने पिछले दिन का हाई तोड़ा नहीं था, ठीक है। इसकी चांसेस ज़्यादा थे कि अपने पिछले दिन का लो तोड़े, तो बट यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया और मार्केट ने इसको थोड़ा सपोर्ट किया, तो हमारा टारगेट हमें मिल नहीं पाया, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक मैंने यूज़ किया था इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें टारगेट मिले ना मिले, ठीक है, हमें 1:1, 1:2, 1:4 जो भी है, हमें टारगेट जितना भी मिले, बट हमारा एक चीज़ है, स्टॉप लॉस अगर हमारा सेफ रहेगा तो हम मार्केट में जितना चाहे उतना हमें टारगेट आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।